फ्रेंड्स आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है ये देखिए आज हमने जीरो और एक नंबर लड्डू गोपाल जी ड्रेस बनाई है ड्रेस बहुत प्यारी है और बनाने में बहुत इजी है तो यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप सभी कुछ बताया है आपको तो वीडियो को स्किप करके ना देखें वीडियो को पूरा देखें तभी आपकी समझ में आएगा कि किस तरह से बनी है और यहाँ पर हमने चोली से लेकर लास्ट तक सभी कुछ बताया है स्टेप बाय स्टेप तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं बनाने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए इस तरह से धागा लेंगे और यहाँ पर हमने थ्री एम एम का क्रोशिया ओक लिया है ये देखिए थ्री एम एम इस तरह से घुमाएंगे हम यहाँ पर और ये हमारी एक चेन बन गई ये दो तो, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह हमने चेन ली इस तरह से यहाँ पर थंब लगा लेंगे और यहाँ पर एक दो तीन तीन चेन और ली हमने तो ये जो तीन चेन ली है हमने यही स्किप करेंगे धागा लेकर ये जो अंगूठा लगाया था हमने यहाँ पर थंब लगाया था ये फोर्थ है हमारी देखिए एक दो तीन चार यहाँ पर हम बनाएंगे तो धागा लेकर यहाँ पर हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिया डबल क्रोशिया जिसको बनाना नहीं आता है वो देख लीजिए क्रोशिया में एक फंदा है इस तरह से धागा लेंगे हम अब यहाँ पर हम नेक्स्ट में क्रोशिया को डालेंगे इस तरह से निकालेंगे अब ये तीन हो गए तीन से हम दो कर देंगे और दो से एक कर लेंगे ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया अब नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया नेक्स्ट में बनाएंगे नेक्स्ट में बनाएंगे तो इस तरह से हम यहाँ पर सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तो यहाँ पर हमारी बारह चेन थी और एक ये हमारी तीन की चेन थी तो यहाँ पर हमारे हम यह तेरह डबल क्रोशिया होंगे तीन की चेन को मिला करके तो यहाँ पर देखिए हमारे तेरह डबल क्रोशिया बन गए हैं अब यहाँ पर हम एक दो तीन तीन चेन लेंगे टर्न करेंगे धागा लेकर और देखिए यहाँ फर्स्ट में हम बनाएंगे ये जो हमारा फर्स्ट है यहाँ पर फर्स्ट में एक हमारी ये डबल तीन चेन हो गई एक डबल क्रोशिया हो गया अब एक बार और बनाएंगे यहाँ पर ही हम क्रोशिय को डालेंगे इस तरह से एक और बना लिया तो ये एक ही चेन में हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए फिर धागा लिया हमने अब नेक्स्ट में यहाँ पर बनाएंगे हम दो डबल क्रोशिया एक बार बना लिया एक बार और बना लिया अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम दो डबल क्रोशिये नेक्स्ट में बनाएंगे नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे तो यहाँ पर हम सभी में दो दो डबल क्रिशे बनाएंगे, एक ही चेन में दो बार ये देखिए स्टार्टिंग में भी ये दो हो गए हमारे नेक्स्ट में दो फिर नेक्स्ट में दो नेक्स्ट में दो नेक्स्ट में दो और नेक्स्ट में दो यहाँ बाकी सब में भी दो दो, दो बनाएंगे अब देखिए यहाँ पर राउंड के लास्ट में आ गए सभी में हमने ये दो दो बार बनाए लेकिन लास्ट में हमने ये एक बार बनाया है ये देखिए यहाँ तक हमने ये दो दो बार बनाए लास्ट में हमारा ये एक है अब यहाँ पर हम एक दो दो चेन लेकर धागा लेकर टर्न कर लेंगे अब यहाँ फर्स्ट में नहीं बनाएंगे फर्स्ट हमारा ये है यहाँ पर नहीं बनाएंगे यहाँ पर इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि दो चेन आ गई है हमारी एक हाफ डबल क्रोशिया की यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया का राउंड करना है डबल क्रोशिया का नहीं करना है अब यहाँ पर हम क्रुशिय को डालेंगे इस तरह से निकालेंगे अब देखिए तीन फंदे हैं तीनों को एक साथ निकाल देंगे धागा लेंगे अब नेक्स्ट में डालेंगे इस तरह से निकाल देंगे नेक्स्ट में डालेंगे इस तरह से निकाल देंगे तो ये हमारे चार हो गए एक हमारी दो की चेन एक हाफ डबल क्रोशिया हो गया और ये हमारी ये दो हो गए तो ये हम यहाँ पर ये हमारे चार हो गए टोटल ये देखिए एक दो तीन चार अब यहाँ पर हम एक देखिए एक दो तीन चार स्किप करेंगे या फिफ्थ में बनाएंगे बनाएँगे डबल क्रोशिया ही एक बार बनाया ये दो ये तीन चार पाँच सात आठ नौ नौ हमने ये हाफ हाफ डबल क्रोशिया बना लिया बैक साइड के लिए अब यहाँ पर फिर से एक दो तीन चार स्किप करेंगे अब यहाँ फिफ्थ में बनाएंगे फिर से ये हमारे चार हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे तीन और एक ये हमारा लास्ट है चार तो ये हमारी चोली बन कर के आई है जीरो नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए अगर आपको ये चोली एक नंबर में बनानी है तो यहाँ पर ये हमने हाफ डबल क्रोशे का राउंड किया है जो ये आप डबल क्रोशी का राउंड करेंगे सेम इसी तरह से बनेगी सिर्फ ये डबल क्रोशी का और हाफ डबल क्रोशी का है हाफ डबल क्रोशे का किया है हमने तो ये जीरो नंबर की बनी है चोली और यही राउंड हम डबल क्रोशे का करेंगे तो ये एक नंबर की चोली बन जाएगी अब यहाँ पर हम एक दो सेकेंड चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे अब यहाँ पर हम एक चेन लेकर धागे को कट कर लेंगे क्योंकि घेरा हम क्रीम कलर से बनाएंगे अब देखिए यहाँ पर से हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे उसके पहले हम इस तरह से नॉट बना लेंगे नॉट बनाने के बाद में धागा हमने यहाँ पर कट कर दिया है घेरा हम यहाँ साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हम क्रोशक को डालेंगे इस तरह से लिप स्टिच कर लेंगे तो ये धागा हमारा स्टार्ट हो गया हम यहाँ पर एक दो तीन तीन चेन लेंगे एक डबल क्रोशिक की हाइट की धागा लेकर फिर से हम यहाँ पर कृषिक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे तो एक ही चेन में हमारे ये दो डबल क्रोशिया काउंट होंगे अब नेक्स्ट में बनाएंगे ये हम इस तरह से तो यहाँ पर भी एक ही चेन में दो बार बना लिए अब नेक्स्ट में बनाएंगे एक ही चेन में दो बार बनाएंगे नेक्स्ट में भी हम और ये क्रीम कलर का धागा को हम साथ में रखेंगे ताकि हमारी ड्रेस में फिनिशिंग आए इस तरह से तो बनाते हुए सभी में दो दो डबल क्रोशे बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे ये देखिए यहाँ पर हम हमारे यहाँ पर चार इस तरफ हैं चार इस तरफ हैं और ये नौ इस तरफ हैं तो एक हम स्किप कर देंगे यहाँ पर तो ये हमारे सत्रह डबल क्रोशिया बैठेंगे यहाँ पर ये यह हमारे सत्रह चेन आएंगी तो यहाँ पर हमें सोलह चेन में ही वर्क करना है एक हम यहाँ पर ये यह स्किप कर देंगे ये वाली चेन ये यह देखिए यहाँ पर एक वाली ये वाली चेन हम स्किप कर देंगे तो यहाँ पर हमने सिर्फ सोलह डबल क्रोशी के ऊपर ही ये बनाना है हमने तो बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे पहले तो देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं हम यहाँ पर देखेंगे तो हमने यहाँ पर एक चेन स्किप कर दी है अब यहाँ पर हम एक दो तीन थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे अब यहाँ पर फिर से एक दो तीन चेन लेंगे एक डबल क्रोशिया हो गया हमारा अब नेक्स्ट में बनाएंगे यहाँ पर हम दो बार एक बार बना लिया एक बार और बना लेंगे यहाँ पर ये यह हमारे दो हो गए अब नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार नेक्स्ट में बनाएंगे दो बार नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार नेक्स्ट में बनाएंगे दो बार नेक्स्ट में एक बार नेक्स्ट में दो बार तो इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे एक में हमने एक बार बनाया है एक में दो बार फिर एक बार फिर ये दो बार एक बार दो बार कंप्लीट कर लेंगे राउंड को देखिए यहाँ पर राउंड के लास्ट में आ गए हैं यहाँ पर भी हम एक एक दो तीन थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे एक चेन लेंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर ही इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में धागा लेंगे धागा लेकर हम नेक्स्ट में यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम यहाँ पर दो डबल क्रोशिय एक बार बना लिया एक बार और बना लेंगे अब यहाँ पर हम नेक्स्ट में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे तो ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए दो बार बन लेंगे हम और नेक्स्ट में यहाँ पर हम क्रोशिय को डालेंगे धागा निकालेंगे देखिए क्रोशिय में हमारे ये चार फंदे हो गए दो निकालेंगे स्टार्टिंग के फिर से दो निकालेंगे स्टार्टिंग के फिर ये दो निकाल देंगे सेम इसी तरह से बनाएंगे दो बार बन लिया हमने देखिए यहाँ पर हमने बनाया है यहाँ पर ही बनाएंगे, इस तरह से चार हो गए स्टार्टिंग के दो निकालेंगे फिर दो निकालेंगे और ये फिर दो निकालेंगे अब नेक्स्ट में धागा लेंगे और नेक्स्ट में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया दो बार अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशिया नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया तो देखिए इस तरह से बनाया है हमने फिर से समझ लीजिए यहाँ पर हमने ज्वाइन किया जॉइन करने के बाद एक चेन ली और एक चेन लेकर यहाँ पर ही हमने सिंगल क्रोशिया बनाया फिर नेक्स्ट में हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया नेक्स्ट में हमने ये दो डबल क्रोशे बनाए फिर नेक्स्ट में हमने ये दो ट्रिपल क्रोशे बनाए फिर नेक्स्ट में दो डबल क्रोशे बनाए फिर नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया फिर नेक्स्ट में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है फिर से देख लीजिए एक बार और नेक्स्ट में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे धागा लेकर नेक्स्ट में हाफ डबल लिया हमने अब नेक्स्ट में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे दो बार एक बार बना लिया एक बार और बना लेंगे फिर नेक्स्ट में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे दो बार बल लेकर इस तरह से दो बार बल लिया दो निकाले फिर दो निकाले फिर दो निकाले फिर धागा एक बार लेंगे हम और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे दो बार एक बार बना लिया एक बार और बना लेंगे फिर नेक्स्ट में हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे अब नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर से हमने इसी तरह से बनाया है अब नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से बनाते हुए ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेंगे सिंगल क्रोशिया बनाया फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर नेक्स्ट में दो बार डबल ड़ौ क्रोशिया बनाएंगे फिर नेक्स्ट में दो बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे फिर नेक्स्ट में दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाकर फिर से यही पैटर्न अपना बनता रहेगा और रिपीट होता रहेगा तो इस तरह से बनाते हुए ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेंगे हम तो देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं यहाँ पर एक चेन हमारी कम रहेगी यहाँ हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया अब देखिए यहाँ पर बना लेंगे हम एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से अब ये जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया बना है इसकी चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे अब यहाँ पर हम नेक्स्ट में एक बार और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट में नेक्स्ट में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे यहाँ पर हम डबल क्रोशिया दो बार फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हम दो बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हम दो बार डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट में ब... देखिए यहाँ पर हमने ये तीन बार बनाया है अभी एक बार और यहाँ पर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया दो बार फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हम हाफ़ डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया फिर नेक्स्ट में बनाएंगे स्लिप स्टिच तो इस तरह से ये पैटर्न बनाना है हमने अब एक बार स्लिप स्टिच बनाएंगे फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच किया हमने फिर सिंगल क्रोशिया बनाया फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाया फिर एक ही चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाया फिर एक ही चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाया फिर से एक ही चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाया फिर से एक ही चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाया फिर नेक्स्ट में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया फिर सिंगल क्रोशिया बनाया फिर स्लिप स्टिच किया अब फिर से यही रिपीट होगा हमारा नेक्स्ट में बनाएंगे हम स्लिप स्टिच फिर नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट में, ने में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट में, ने में, बना ने में बनाएंगे डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया यहाँ पर हमने चार बार डबल क्रोशिया बनाना है देखिए एक हो गया ये दो तीन चार चार बार ये हमने डबल क्रोशिया बनाया है एक ही चेन में दो बार अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया फिर नेक्स्ट में बनाएंगे स्लिप स्टिच फिर नेक्स्ट में बनाएंगे स्लिप स्टिच फिर नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हाफ़ डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया तो ये दो बार बनाएंगे एक ही चेन में फिर नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया दो बार ही बनाएंगे फिर नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट में बनाएंगे ये देखिए अभी एक दो तीन बार हुआ है यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया ही बनाएंगे तो ये चार हो गया अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच तो इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेंगे पहले देखिए इस तरह से आएगा ये बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे पहले देखिए राउंड के लास्ट में आ गए ये हमने डबल क्रोशिया बना लिया है नेक्स्ट में हम हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर ही यह हम एक बार स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे यहाँ पर हमने धागे को कट कर दिया है अब हम आगे ऑरेंज कलर से बनाएंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले नॉट बना लेंगे इस तरह से ये नॉट बना ली हमने अब यहाँ पर से आप कहीं पर से भी स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर हमने धागा कट किया था लेकिन देखिए हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे इस तरह से देखिए आप ये हमारे डबल क्रोशिया बने हुए हैं यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक अब उससे पहले हमने ये हाफ डबल क्रोशिया बनाया था उससे पहले ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था तो सिंगल क्रोशिया की चेन में हम इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे धागा निकालेंगे और यहाँ पर दोनों को एक साथ निकाल देंगे तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया बना है तो हमने सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट किया है और देखिए नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर हाफ डबल क्रोशी की चेन में फिर ये डबल क्रोशी की चेन आ गई हमारी तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर से डबल क्रोशी की चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे अब देखिए डबल क्रोशी की रो तक हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया ये हाफ डबल क्रोशी की चेन है हमारी ये वाली तो आप इस तरह से देख करके ध्यान रखिए अब ये सिंगल क्रोशी की चेन है हमारी यहाँ पर भी बना लिया हमने आगे हमने स्लिप स्टिच किया था तो यहाँ पर नहीं बनाएंगे सिंगल क्रोशी की चेन तक हमने बना लिया है अब यहाँ पर हम नीचे देखेंगे तो ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था ये देखिए यहाँ पर ये हमारे इस तरह से हम क्रोश को डालेंगे यहाँ पर धागा निकालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से अब फिर से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया बना हुआ है इसकी चेन लेंगे हम ये वाली देखिए आपको कैसे पता चलेगा अगर आपको इस तरह से नहीं पता चलता है तो आप इस तरह से देख लीजिए हमारे डबल क्रोशिया बने हुए हैं दो उससे पहले हमने ये हाफ डबल क्रोशिया बनाया था उससे पहले हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था तो हमारी ये सिंगल क्रोशी की चेन ये वाली है तो यहाँ पर बनाएंगे हम ये है हमारी सिंगल क्रोशे की चेन तो यहाँ पर बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया फिर ये हाफ डबल क्रोशी की चेन आ गई हमारी यहाँ पर बना लेंगे हम हाफ डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट में ये डबल क्रोशे की चेन है हमारी यहाँ पर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया ये हमारी डबल क्रोशे की चेन चल रही है तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे सभी में इस तरह से आपने ध्यान देना है अगर आपको वैसे नहीं पता चलता है तो आप इस तरह से जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये देखिए ये हमारे डबल क्रोशी में सब में हमने एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लिया अब ये जो हम बनाएंगे यहाँ पर ये हम हाफ़ डबल क्रोशी की चेन में बनाएंगे अब ये हमारी सिंगल क्रोशी की चेन है यहाँ पर इस तरह से ये देखिए ये हमारी सिंगल क्रोशी की ये हमारी हाफ डबल क्रोशी की ये हमारी डबल क्रोशी की ये भी डबल क्रोशी की ये भी डबल क्रशी की ये भी डबल क्रोशी की ये भी डबल क्रोशी की ये भी ये भी और ये भी ये हमारी हाफ डबल क्रोशियों की गई ये हमारी सिंगल क्रोशी की हो गई अब नीचे देखेंगे आप तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है तो यहाँ पर हम क्रोशिया को डालेंगे इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे अब फिर से अपना यही स्टार्ट हो गया फिर से कैसे पता करेंगे कि डबल क्रोशिया बने हुए हैं दो उससे पहले हाफ़ डबल क्रोशिया बनाया था उससे पहले ये सिंगल क्रोशिया बनाया था सिंगल क्रोशिया की चेन को लेंगे हम और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से तो ये हम इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे तो राउंड बना कंप्लीट करने के बाद में फिर आपको दिखाते हैं देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं ये हमने नीचे बना लिया सिंगल क्रोशिया अब ये हमने स्टार्टिंग में सिंगल क्रोशिया बनाया था तो उसकी चेन है देखिए सिंगल क्रोशिया की चेन है हमारी इसको आप धागे को इस तरह से करेंगे तो ये चेन दिखेगी हमारी ये देखिए यहाँ पर ये चेन दिखेगी हमारी तो यहाँ पर ही हमने स्लिप स्टिच करना है ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हम स्लीप स्टिच कर देंगे और यहाँ पर एक चेन लेकर धागे को कट कर लेंगे तो देखिए इस तरह से ये घेरा कर आया है आप चाहें तो यहाँ पर आप किनारी भी कर सकते हैं तो यहाँ पर हम इस तरह से बनाएंगे दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस चेन बना ली हमने दो और बना लेंगे तो ये बारह चेन हो गई हमारी और बारह चेन बनाकर यहाँ पर हम ये जो हमारे डबल क्रोशी की रो है पहली तो यहाँ पर फर्स्ट में डालेंगे हम किसी चेन में नहीं करना हमने दो डबल क्रोशी की सेंटर में हमने डाला है यहाँ पर फिर नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया फिर नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट में बनाएंगे ये देखिए यहाँ पर हमने सभी में बना लिया अब यहाँ पर भी हम बारह चेन लेंगे ये एक हो गई ये दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह चेन लेकर धागे को थोड़ा सा लंबा करेंगे और यहाँ पर इस तरह से धागे को कट कर देंगे ये देखिए हमारी ड्रेस बन करके रेडी है जीरो और एक नंबर लड्डू गोपाल जी की और यहाँ पर डोरी लगा दी तो जब पहनाएंगे आप उसके बाद में आप इस तरह से डोरी में नोट लगा दीजिए इस तरह से तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारे समझाने का तरीका पसंद आया होगा तो वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक यू